कितने क्रिकेटर्स को शायद इस जोड़ी को बहुत जल्द निपटाना पड़ेगा, नहीं तो ये साझेदारी बढ़ती गई तो शायद अब बात आसान होगी काफी अल्बर्ट डेवलपर्स क्रिकेट टीम को। फिलहाल विराज अपने बॉलिंग रनअप पर राइट आर्म राउंड के विकेट की गेंदबाजी करते हुए अर्जुन के विकेट की तलाश थी। जय उनके टीम मैनेजर बहुत खुश दिखाई देते हुए बीजू नौ चेंडू नौ धावा अर्जुन की बारी समाप्त नौ गेंदों का सामना करते हुए नौ रन एक रन चौका जिनमें शामिल। और देखना होगा कि किरण का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज विराज बोरकर को सफलता मिलती हुई। शायद रिवर्स स्विप का प्रयास था अर्जुन का, लेकिन इस बार गलती कर बैठे। स्लिप पर लगभग जो कि फील्डर मौजूद थे उनके पास एक आसान सा मौका मिला और जिस विकेट की तलाश थी शायद विकेट की आवश्यकता तक श्री कृष्ण क्रिकेटर्स क्रिकेट टीम को वो मिलती हुई पहले विकेट के रूप में। नए बल्लेबाज सागर मैदान पर अपने रनअप पर एक बार फिर से 1500 की कदम के रनअप से राउंड विकेट अच्छी सम्मान बख्शा किसे खुश किया। और जब तक फिर भारतों में गेंद को उठाते फिर निकलते एक रन के साथ से सागर ने अपना खाता खोला और टीम को आगे बढ़ाते हुए 15 एक विकेट पर 15 loss of 1 wicket थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। भारत के बल्लेबाज किरण स्ट्राइक पर उनके लिए शायद दूर फील्डिंग एक फाइन लेग बाउंड्री पर एक मिडिल लेग बाउंड्री पर एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक शॉर्ट मिड विकेट पर यानी पांच फील्डर जो कि ऑन साइड पर दिखाई देते हुए किरण जो कि बल्लेबाज स्ट्राइक पर विराज की गेंदबाजी का सामना करते हुए बढ़िया शॉट इस बार ऑफ साइड पर स्कर्ड रन का इस बार कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर एक निश्चित रूप से शानदार चौका स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ स्टंप पर यह गेंद थोड़ी सी छोड़ते हुए जगह मिली और बैकफुट पर जाकर इस बार गेंद को स्क्वायर रन किया 4 रन के लिए 4 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन एक विकेट पर। शायद जाल भी चाहता था ऑन साइड पर लेकिन गेंदबाजी जो कि ऑफ साइड पर और मौका मिला था लेकिन एक शानदार शॉट एक बार फिर से अगले गेंद लेकर शायद इस ओवर में विकेट जरूर मिली लेकिन उसके बाद से एक शानदार चौका लगाते हुए किरण सामना करते हुए उनकी गेंदबाजी का शॉर्ट गेंद इस बार पुल किया गेंद ऑन साइड पर फाइन लेग बाउंड्री पर फील्डर मौजूद एक रन आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने एक रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन एक विकेट पर 42 रनों की अभी भी आवश्यकता मैच को जीतने के लिए 32 गेंदों का खेल बाकी 32 गेंदों में 42 रन 9 विकेट हाथों में। शायद जहां तक बात करनी चाहिए दोनों टीमों के बारे में अगर काफी बैटिंग लाइनअप है तो शायद मैं तो कहूंगा विकेट आपको लेने पड़ेंगे जब विकेट मिलेगी तब ही इस मैच में आपकी बात बनेगी नहीं तो साझेदारी अगर बनती गई बढ़ती गई तो ये मुकाबला काफी आसान होगा अल्बर्ट डेवलपर्स क्रिकेट टीम के लिए। विराज एक बार फिर से अगली गेंद लेकर इस बार बढ़िया शॉट गेंद को खेला इस बार देखना होगा थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए एक विकेट मिला था इस ओवर में विराज को लेकिन 2 चौके लगाते हुए और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 24
लॉस ऑफ पॉइंट में गया। तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर, यह अच्छा ओवर अल्बर्ट डेवलपर्स के लिए, शायद एक विकेट जरूर खोया लेकिन फिलहाल दो चौके मिले इस ओवर में, रन रेट को बिल्कुल ठीक ठाक करता हुआ ये ओवर। तीसरा ओवर जो की प्रगति पर और विराट बहुत जो की गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंद, इस बार हल्के से कड़ाई का उपयोग किया, गेंद को खेला इस बार स्लिप की तरफ, फिर से एक रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, एक रन के साथ से ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा, तीन ओवर समाप्त और तीन ओवर समाप्ति के बाद 25 रन एक विकेट पर 62 रनों के जवाब में अल्बर्ट डेवलपर्स क्रिकेट टीम जो कि बल्लेबाजी करते हुए 61 रन बना चुकी है श्री कृष्ण क्रिकेटर्स चिंबल क्रिकेट टीम। 62 रनों का लक्ष्य, पहले चार ओवर में 38 रन बनाए थे लेकिन कम बैक किया बहुत बढ़िया, खास करके महाराज ने तीन विकेट लिए, पहले ओवर में महाराज ने तीन चौके लगाए थे लेकिन उसके बाद से दूसरे ओवर में महाराज ने दो रन देकर तीन विकेट लिए, बस वो काफी टर्निंग पॉइंट है उस मैच का। बीच में बल्लेबाजों ने काफी निराश किया, एक बार 70-75 का टोटल लग रहा था जो कि श्री कृष्ण क्रिकेटर्स टीम का, लेकिन वो बारी जो कि 61 रन पर सीमित थी और 62 रनों की आवश्यकता और गेंदबाजी में दिखाई देती है मेरे ख्याल से सुहास गेंदबाजी के मोर्चे पर, सामने सागर नॉन स्ट्राइकर रेंज पर जो कि बल्लेबाजी करते हुए, किरण तीन ओवर समाप्त 25 रन एक विकेट पर, अभी भी 5 ओवर का 30 सेकेंडों का खेल बाकी और जीतने के लिए 37 रनों की आवश्यकता, 30 चेंडू और 37 धावा। गोलंदाजी बदल होतोय, सुहास सज्ज होतोय गोलंदाजी आणि स्ट्राइकर सामोरा जातोय तो सागर, निर्धाव चेंडू जातोय आणि निर्धाव चेंडू बरोबरच 29 चेंडू आणि 37 धावा असं समीकरण हे सामन्यातील 29 चेंडू आणि 37 धावांची आवश्यकता। संध्याकाळच्या सत्रातील आजचा अंतिम सामना, परंतु एक नक्की चुरशीची लढत मैदानावर पाहायला मिळते। चौथ्या षटक प्रगतीपथावर उर्वरित अजूनही 4 षटकांचा खेळ बाकी, एका बाजूनं एक निर्णायक भागीदारी दोन फलंदाज किरण आणि सागरच्या दरम्यान पाहायला मिळते, त्या अगोदर अर्जुन छोटीशी खेळी करतोय आणि दुसऱ्या बाजूनं या ठिकाणी मात्र गोलंदाज